राजस्थान 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में आरसीबी को 7 विकेट से हराया। बटलर का सीजन में चौथा शतक, बैंगलोर का सपना टूटा। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। जहां 29 मई को इसका मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस से होगा। संजू सैमसन की टीम 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। वहीं आरसीबी का आईपीएल चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवरों में 157 रन बनाए थे और राजस्थान को 158 रनों का टारगेट दिया था। राजस्थान के लिए जॉस बटलर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंद में 106 रन बनाए। बटलर आखिरी तक नाबाद रहे थे। यह आईपीएल 2022 में खिलाड़ी का चौथा शतक है। 158 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को मैच में शानदार शुरुआत मिली। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 31 गेंद में 61 रन जोड़ दिए। यशस्वी 13 गेंद पर 21 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर आउट हुई। वहीं बटलर ने साझेदारी में सिर्फ 18 गेंद में 40 रन बना दिए। आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन रजत पाटीदार ने बनाए। उन्होंने 42 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मकोय ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों, आपके अनुसार राजस्थान और गुजरात में से फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और आईपीएल की इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।